हेलो गाइज, मैं अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। इस वीडियो में गाइज हम बात करेंगे BLS ई सर्विसेज के बारे में। गाइज इस IPO का अलॉटमेंट कब तक आएगा, कहां आएगा, कैसे चेक करना है, हम इस वीडियो में जानेंगे। आज आएगा या फिर मंडे को आएगा, क्योंकि कल है सैटरडे संडे, तो क्या वीकेंड में आ सकता है या फिर आज ही आ जाएगा या फिर मंडे को आएगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर जो आ जाता है तो कब तक आ सकता है IPO का अलॉटमेंट, ये भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। साथ में मैं आपको बताऊंगा अलॉटमेंट कैसे चेक करना है उन लोगों के लिए जिनको नहीं चेक करना आता है, और इस IPO का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रेम जो कि हमें एक नया हाई बनाता हुआ दिखा है। तो गाइस सब कुछ आपको इस छोटी सी वीडियो में बताऊंगा, बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है ताकि सारी जानकारी आपको सही से समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए अपनी डिटेल स्टार्ट करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट से। गाइस IPO क्लोज हो चुका है, अब इसकी अलॉटमेंट डेट है 2nd February को, यानी कि आज के दिन। तो गाइस जो रूल है उसके हिसाब से तो इनको आज के दिन दे देना चाहिए, बट कई बार क्या होता है कि अलॉटमेंट लेट आता है, ठीक है, 12 बजे 1 बजे भी आ जाता है, ठीक है। तो अगर जो मान लो इफ इन केस 1%, वैसे बहुत ही लो चांसेस है जब से T3 लागू हुआ है लिस्टिंग का IPO में, तब से लेट तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बट ऐसा कई बार सिनेरियो देखने को मिला है कि हमें 1% ही मान के चलो कि अगले दिन भी सुबह सुबह IPO देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं कि सैटरडे को पीछे कभी IPO दिया नहीं है, तो मे बी सैटरडे को भी आया, लेकिन 99% चांसेस हैं हमें आज ही देखने को मिल जाएंगे। और इस IPO का जो रजिस्ट्रार है वो KFintech है। तो गाइस अलॉटमेंट आने का जो टाइम है वो 8:30 बजे 9 बजे के बाद ही होता है। जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ करीब 8:40 पे, तो इस टाइम अलॉटमेंट नहीं आया। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप इस वाले टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, ये न्यूज चैनल है, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट न्यूज मिल जाती है। जैसे ही अलॉटमेंट आएगा आपको इस तरीके से बता दिया जाएगा कि भाई अलॉटमेंट आ गया। देखोगे नोवा का करीब 11:15 के आसपास आया था, साइट क्रैश रही तो हमने यहाँ पे लेट अपडेट किया था, उसके बाद फिर बता भी दिया था, ठीक है। तो आपको जैसे ही अलॉटमेंट आएगा यहाँ पे साझा कर दिया जाएगा, बार बार वेबसाइट पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ गाइस अगर जो आप इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हो तो यहाँ भी साझा कर दिया जाएगा, और इस पे जुड़ने के दूसरे भी बेनिफिट्स हैं, लाइक देख लो कई सारे इंट्राडे लेवल आज के, यहाँ देख लो रिलायंस का आपने 52-week लो पे बताया था और आज फिर से एक नया हाई बनता हुआ दिखा है, अच्छा गेन मिला। उसके साथ स्विंग लेवल यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो बढ़िया सपोर्ट के साथ बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट गेन कल का है ये, उसके पहले का देख लो यहाँ पे 900 पॉइंट तक का गेन, उसके पहले का देख लो यहाँ पे 380 पॉइंट गेन, कई सारे यहाँ पे देख लो स्विंग लेवल चार्ट, ठीक है, यहाँ पे देख लो 1200 पॉइंट से ज्यादा गेन। तो आपको रेगुलरली यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शन इंट्राडे स्विंग कॉल पोजीशन कॉल लर्निंग ऑडियो सपोर्ट टेक सपोर्ट और बहुत सारी चीजें मिल जाती है। तो आप बार बार वेबसाइट पे जाके चेक करो, परेशान हो इससे बेहतर क्या है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 पे है, ज्वाइन कर लो, जैसे आएगा अलॉटमेंट इस पे बता देंगे, या फिर आप इस न्यूज चैनल को ज्वाइन कर लो जहां पे IPO की सारी न्यूज आती है, मार्केट की सारी न्यूज आती है, 2 नंबर पे लिंक है, यहां पे बता देंगे, ठीक है। तो जैसे ही अलॉटमेंट आएगा आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, एग्जांपल में वैसे देखो तो बिग शॉट सर्विस का है, ठीक है, तो उस टाइम में जो लिंक है वो हम देंगे KFintech का, उस पे क्लिक करना है। केफिन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से वेबसाइट खुल के दिख जाएगी जिसमें 5 लिंक होता है, तो कोई भी आप क्लिक कर सकते हो। सपोज मैंने 4 नंबर पे क्लिक किया, ठीक है, तो आपको इस तरह से मेनू खुल के दिख जाएगा और फिर यहां पे करना है सेलेक्ट IPO पे क्लिक, पूरा मेनू खुल के आ जाएगा। एग्जांपल में मान लो मैंने यहां पे फोन बॉक्स रिटेल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो आपका जब IPO आएगा तो इसमें BLS का नाम आ जाएगा, BLS सेलेक्ट करना है और यहां पे पैन कार्ड वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके साथ ही यहां पे पैन कार्ड नंबर अपना डालना है, इसके अंदर टच करके फिर ये जो कैप्चा उस टाइम में आ रहा होगा वो यहां पे डालना और सबमिट का बटन जैसे ही प्रेस करोगे सिक्योरिटी अलॉटेड के सामने जैसे ही कोई नंबर लिख के आएगा इसका मतलब आपको मिल चुका है, नहीं तो फिर आपको नहीं मिला है। अगर जो सिक्योरिटी अप्लाइड के सामने कोई नंबर लिख के आया दैट मींस कि आपने अप्लाई किया है, तो उससे मतलब नहीं है, सिक्योरिटी अलॉटेड के सामने अगर जो लिख के आया, ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना है। फिलहाल गाइस कोई भी फिक्स टाइम नहीं है अलॉटमेंट आने का, चांसेस आज के दिन ही आने के हैं, ठीक है, हो सकता है ये 12 बजे आए, हो सकता है 10 बजे आए, टाइम जो होता है वो 8 बजे के बाद देने का होता है, बट कभी कभार ऐसा होता है कि टाइम से IPO अलॉटमेंट दे दे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, आपके साथ साझा कर दिया जाएगा जैसे अलॉटमेंट आएगा। फिलहाल अभी तक अलॉटमेंट नहीं आया है, 8:50 हो चुके हैं जब मैं वीडियो क्लोज करने जा रहा हूं, ठीक है। करंट में गाइस इस IPO का जो GMP है वो हमें फर्स्ट से एक नया हाई 178 रुपीज का बनाता हुआ दिखा है, ठीक है, और इसके हिसाब से करीब 132% गेन अप्रॉक्सिमेटली होता है, तो अपने आप में एक बहुत ही शानदार बात है और ये साल का पहला ऐसा IPO होगा जो इतना शानदार गेन देगा जो लिस्टिंग इसके हिसाब से मिलती है, ठीक है। उसके साथ मोस्ट सब्सक्राइब्ड IPO इन 2024 का रिकॉर्ड इसको मिल चुका है सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, ठीक है, सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला IPO। तो गाइस आई होप आपको दी हुई जानकारी पसंद आई होगी, आई होप अब आपकी कोई क्वेरी नहीं होगी। इसके बाद कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और साथ में जरूर कमेंट सेक्शन बताइए कितने लॉट कितनी ID से आपने अप्लाई किया है, और अलॉटमेंट अगर जो आ जाता है उसके बाद चेक करते हो तो बताना जरूर आपको मिला या नहीं मिला। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, करते हुए थैंक यू वॉचिंग गाइस, प्लीज टेल दिस टू वेल्दी एंड बाय फॉर नाउ।